तो आज हम देखेंगे कि स्प्रिंग बूट के अंदर एनोटेशंस क्या होती हैं। बेसिकली लास्ट सेशन में जैसे हमने देखा कि हमने वहां पर यूज किया था कंपोनेंट स्कैन एनोटेशन को, और हमने उससे पहले भी मैंने आपको एक एनोटेशन यूज करके दिखाई थी रेस्ट कंट्रोलर, और एक एनोटेशन जो उनसी स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में आप कह सकते हैं बाय डिफॉल्ट आती है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ये सारी एनोटेशंस जो उनसी हैं, इनका मतलब क्या है और एनोटेशंस होती क्या, व्हाट आर एनोटेशंस। तो सबसे पहले इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन पर आ जाते हैं कि एनोटेशंस इन स्प्रिंग बूट आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ फ्रेम ऑफ द फ्रेमवर्क। यानी कि स्प्रिंग बूट के अंदर जो एनोटेशंस हैं ये इसका एक पार्ट है, इसके इसके बगैर स्प्रिंग बूट कंप्लीट नहीं होता। एंड आर यूज टू सिंप्लीफाई, यहां पर वर्ड यूज हुआ सिंप्लीफाई द डेवलपमेंट ऑफ जावा एप्लीकेशंस। बेसिकली स्प्रिंग बूट का काम ही यही था कि वो हमारे जो जावा एप्लीकेशंस हैं उनको क्रिएट करने में हमें ज्यादा से ज्यादा आसानी पैदा करे। तो स्प्रिंग बूट ने क्या किया, बेसिकली स्प्रिंग बूट रिलाइज हैवीली ऑन एनोटेशंस। यानी कि मैंने बताया कि स्प्रिंग बूट ने हमारे काम को आसान कैसे किया, एनोटेशंस को यूज करके। यानी कि जो काम हम मैनुअली हर चीज को बताते थे कि ये हमारे पास कंट्रोलर है, ये हमारी ये आपने इसको कंपोनेंट को स्कैन करना है, या फिर आपने इसको आईओसी कंटेनर के अंदर रखना है, ये हमारी मेन एप्लीकेशन है, ये हमारी रिपोजिटरी है, ये सर्विस, यानी कि बहुत सारी जो उनसी कंफ्यूजन थी वो स्प्रिंग बूट ने एनोटेशंस के जरिए हमारी हल कर दी। अब सिंपली हम क्या करते हैं, अपने कोई भी मेथड को, कोई भी फील्ड को, कोई भी क्लास को एक एनोटेशन दे देते हैं और स्प्रिंग बूट हमारा वो सारा काम कर देती है जो हमने मैनुअली करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ देख लेते हैं मेन एनोटेशन। सबसे पहले तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन की एनोटेशन, और इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि रेस्ट कंट्रोलर की एनोटेशन एंड सर्विस एनोटेशन एंड रिपोजिटरी एनोटेशन। ये जो तीन एनोटेशन है, रेस्ट कंट्रोलर, सर्विस एंड रिपोजिटरी, ये बेसिकली हमारे रेस्ट कंट्रोलर जो सी है ये हमारे पास रेस्ट एपीआई बनाने में इस्तेमाल होती है, और सर्विस रिपोजिटरी ये तो हर प्रोजेक्ट में आपको यूज करनी पड़ती है जगह जगह पर। तो बेसिकली हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, एक छोटा सा रेस्ट एपीआई क्रिएट करेंगे। बेसिकली वो एक प्रॉपर लेक्चर होगा कि रेस्ट एपीआई क्या होता है एंड वो किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम कुछ उसकी एनोटेशंस को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन की, ये एनोटेशन क्या करती है। तो ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन क्या कर रही है, ये बेसिकली तीन एनोटेशंस का आप कह लें कि समअप है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एक एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन की। अब ये कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन का क्या मतलब है, बेसिकली इस एनोटेशन का मतलब ये है कि यानी कि ये एनोटेशन जहां पर भी होगी वो समझ लें आप हमारा जो वो पैकेज होगा, वो क्लास जिस भी पैकेज में होगी वो हमारी एक बेस पैकेज बन जाएगा जहां से हमने बीन्स को सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहां पे आपको दिखाता हूं कि जैसे ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन यहां पर एडेड है इस स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट पाथ में, जो कि मैंने लास्ट सेशन में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कि ये कैसे सारा काम चल रहा है। तो यहां पर क्या होता है कि बेसिकली जब मैंने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन ऐड की हुई है तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन भी एडेड है, और वो एनोटेशन क्या कर रही है, हमारे इस क्लास से ये पता चल रहा है उस एनोटेशन को कि इस पैकेज के अंदर, इस पैकेज के बाद, यानी कि इस पैकेज के अंदर और इसके अंदर, चाहे वो सब पैकेज हो चाहे क्लासेज हो आगे जो भी चीजें हो, उसके उस सिर्फ आपने उसी को स्कैन करना है। बेसिकली कंपोनेंट स्कैनिंग की मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी एनोटेशन को। तो बेसिक वो क्या बता रहा है कॉन्फ़िगरेशन वाला, कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन, कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन हमें क्या बता रही है कि यहां पर जितने भी इस पैकेज के अंदर, इस वाले पैकेज के अंदर, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेज हैं, जितनी भी सब पैकेज है, जितने भी इंटरफेसेज है, अगर उनमें से किसी के ऊपर भी कंपोनेंट स्कैन वाली एनोटेशन लगी हुई है तो आपने उसको स्कैन करना है एंड हमारे आईओसी कंटेनर के अंदर भेज देना है। सिंपल इस कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन का मतलब यही है। और ये मैंने आपको लास्ट सेशन में डीपली एक्सप्लेन किया था, अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो काइंडली उसको भी आप एक दफा देखें, वहां पर मैंने इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखाई थी कि किस तरह से सारा कुछ वर्क कर रहा है। तो इसके बाद यहाँ पर एक और एनोटेशन आ जाती है हमारे पास, और वो है इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। अब ये एनोटेशन क्या कर रही है, ये एनोटेशन हमारे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को बता रही है कि जितनी भी आपकी डिपेंडेंसीज जो सी हैं पोमडोट एक्सएमएल के अंदर
वो डिपेंडेंसीज को आपने लोड करके ऐड करना है, बेसिकली इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन ये बता रही है। तो यानी कि जितनी भी आपको नेसेसरी जो आप कह लें फाइल्स चाहिए होंगी, लाइब्रेरीज चाहिए होंगी एक्सटर्नल, वो ये ऐड करके आपको दे देगा जो आपको स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के लिए चाहिए होंगी। इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है। और इसके बाद थर्ड वन जो सी हमारे पास है वो है कंपोनेंट स्कैन की अपना एनोटेशन। और इसे भी मैंने डीपली एक्सप्लेन किया था, लेकिन एक दो दफा मैं दोबारा समझा देता हूँ कि क्या होता है। बेसिकली कंपोनेंट स्कैन हमें हेल्प करता है कि हम अपने हर क्लास के ऑब्जेक्ट को बार बार क्रिएट करने से अच्छा सिर्फ एक दफा अपने स्प्रिंग बूट को बता दें कि आपने ये एक क्लास है, इसको आप अपने पास रख लें, एंड जब भी मुझे इसका कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तो मैं आपसे इसका ऑब्जेक्ट कॉल कर लूंगा और वो मुझे दे देगा। तो ये करता क्या है कि जिस भी क्लास के ऊपर कंपोनेंट स्कैन वाली एनोटेशन होती है, ये वो क्लास स्प्रिंग बूट उस क्लास को हमारे आईओसी कंटेनर के अंदर ऐड कर देता है, और यानी कि उसको स्कैन करके आईओसी कंटेनर के अंदर सेंड कर देता है। और जब भी हमें कोई उसका आप कह लें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, बेसिकली बीन चाहिए होता है, मैंने आपको बीन का भी कंसेप्ट बताया था, हमें बीन वो चाहिए होता है तो वो उसका हमें बीन प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक एनोटेशन आ जाती है जो कि है रेस्ट कंट्रोलर की। अब ये रेस्ट कंट्रोलर वाली एनोटेशन भी बेसिकली दो एनोटेशंस का मजमूआ है। यहाँ पर इसमें दो एनोटेशंस यूज होती हैं, और इसमें सबसे पहली एनोटेशन है कंट्रोलर एनोटेशन। ये बेसिकली आपका जो ये रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन उसके ऊपर लगती है जो आपके रेस्ट एपीआई का कंट्रोलर होता है, ये उसके ऊपर आपकी रेस्ट कंट्रोलर वाली एनोटेशन लगती है। और कंट्रोलर एनोटेशन से उसको ये पता चल जाता है जो कि हमारे रेस्ट कंट्रोलर के अंदर ही है, कंट्रोलर एनोटेशन से उसको ये पता चल जाता है कि ये हमारा एक तो कंट्रोलर क्लास है, एंड ये हमारे साथ साथ एक कंपोनेंट स्कैन का भी काम करती है। यानी कंट्रोलर क्लास जो उनसे है, कंट्रोलर एनोटेशन है ये, आप कह लें कि कंपोनेंट स्कैन की जगह पे हमने कंट्रोलर को लिख लिया तो वो भी एक ही बात है, लेकिन कंट्रोलर हम स्पेशली उस पर लिखते हैं जहां पर हमने कंट्रोलर को यूज करना होता है। कंट्रोलर क्लास हमें कंपोनेंट स्कैन वाली भी एनोटेशन को प्रोवाइड कर देती है, जिससे कंट्रोलर भी हमारी बीन बीन क्रिएट करने के काबिल हो जाती है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो उनसे एनोटेशन है वो है रिस्पॉन्स बॉडी की, और ये भी हमारे रेस्ट कंट्रोलर के साथ ही ऐड होती है, यानी कि रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन के साथ ही ऐड होती है। ये एनोटेशन क्या करती है, बेसिकली जब हम आगे रेस्ट एपीआई क्रिएट करेंगे तब ये आपको इसका एक एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन भी आपको पता चल जाएगी, और वहां पर ये कंसेप्ट आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एनोटेशन क्या कर रही है। बेसिकली ये क्या करती है, हमारा जो भी रिस्पॉन्स आता है सर्वर से उसको ये HTTP रिस्पॉन्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है। यानी कि हमारे पास वहां से कोई भी रिस्पॉन्स अगर आ रहा है, वो JSON में है, वो XML में है, कोई भी रिस्पॉन्स आ रहा है ये उसको HTTP रिस्पॉन्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है। यानी कि वो हमें रिस्पॉन्स बता देती है कि ये 200 ओके है, या फिर 404 एरर है, या 405 है, या 500 है, इस तरह के एरर्स में कन्वर्ट करके हमें बता देता है, इस तरह के कोड्स में बता देता है कि ये आपका रिस्पॉन्स कोड है, एंड अगर वो 200 हुआ तो यानी कि ओके है, 404 है तो यानी कि आपका सर्वर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, वहां पर ऐसा कोई डाटा नहीं है, या फिर वो सर्वर लॉस्ट हो चुका है, और अगर 500 आ रहा है तो वो आपने कोई रिस्पॉन्स की गलती की है, यानी कि जो आप उसको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसमें गलती है। ये हम आगे एरर्स भी हम डीपली पढ़ेंगे कि ये कैसे सारे वर्क करते हैं एरर्स। अब लास्ट दो जो उनसी हमारी एनोटेशन आ जाती हैं वो है हमारी सर्विस एंड रिपोजिटरी एनोटेशन। बेसिकली ये दो एनोटेशन भी हमारी आप कह लें कंपोनेंट स्कैन की ही आप कह लें कि जगह ले लेती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कंट्रोलर है वो भी कंपोनेंट स्कैन की ही जगह पे होता है, तो ये सर्विस भी यही काम करती है जो कंपोनेंट स्कैन करती है, रिपोजिटरी भी। बस इससे ये हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ये जो उनसी क्लास है वो सर्विस भी है, एंड साथ ही साथ वो कंपोनेंट स्कैन भी प्रोवाइड कर रही है, यानी कि वो हमारी आईओसी कंटेनर के अंदर भी है। और इसी तरह रिपोजिटरी का भी है कि ये जिसके ऊपर लिखी हुई होती है रिपोजिटरी एनोटेशन, हमें पता चल जाता है कि हमारी रिपोजिटरी क्लास है, एंड ये भी कंपोनेंट स्कैन वाली एनोटेशन को यूज करके हमारे आईओसी कंटेनर के अंदर मौजूद है। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट एनोटेशंस, और ये हम आगे इंशाल्लाह जब हम रेस्ट एपीआई क्रिएट करेंगे तब हम इसे बहुत ज्यादा यूज करेंगे इन एनोटेशंस को, और वहां पर आपको ज्यादा समझ लगेगी कि एनोटेशंस क्यों यूज कर रहे हैं हम और इनका क्या वर्क है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।